please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के एक इलाके से बचाव दल के सदस्य कुछ लोगों को एक नाव पर बिठाकर बाढ़ के पानी से बाहर निकालने लगे। उस इलाके में कई दिन से हो रही बारिश और बादल फटने से बहुत से लोग अपने घरों में ही फंस गए, जिसके लिए बचाव दल के कुछ सदस्य एक नाव लेकर आए और एक एक कर उन्हें सूखी जगह पर खड़े ट्रक तक पहुंचाने लगे। बहुत से लोगों को ट्रक की मदद से सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। हालांकि पेंसिल्वेनिया में कई दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ इलाकों में बादल फटने से अचानक ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस वजह से एक 12 साल का लड़का भी बाढ़ में फंस गया, जिसे राहत कर्मियों ने रबर की नाव के जरिए बचाया। कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। कुछ जगहों पर पानी की धारा इतनी तेज थी कि कई गाड़ियां खिलौनों की तरह तैरने लगी। भारी बारिश के कारण कई जगह पर सड़कें भी धस गईं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिन्ना के वंशज भारत की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो 2047 तक भारत में हिंदुओं का नाम नहीं रहेगा। गिरिराज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की जरूरत है, मगर वोट बैंक की राजनीति की वजह से कानून बनाने नहीं दिया जा रहा है। कहीं 2047 तक अगर कड़ा कानून जनसंख्या नियंत्रण का ना बना तो 33 और 135 करोड़, 72 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या हो गई, न विकास हो पाएगा न सामाजिक समरसता रह पाएगा। बीजेपी की ओर से चलाई जा रही एक देश एक चुनाव की मुहिम को चुनाव आयोग से ही तगड़ा झटका लग गया। चुनाव आयोग ने देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने को मुश्किल करार दिया। जबकि एक देश एक चुनाव को लेकर हिंदी अखबार दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने दलील दी थी कि एक साथ चुनाव कराने को लेकर देश भर में सार्थक बहस की जरूरत है। मुझे खुशी है कि ये बहस शुरू हो चुकी है। इस दिशा में विधि आयोग ने भी कुछ प्रयास किए हैं। दरअसल बार बार चुनाव के कारण देश के सीमित संसाधनों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है और चुनाव के दौरान लगने वाली आचार संहिता के कारण विकास के काम भी प्रभावित होते हैं। देश की विशालता और विविधता को देखते हुए एक साथ चुनाव कराना ज्यादा जरूरी है, लेकिन एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर चुनाव आयोग ने ही पानी फेर दिया। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कानून में बदलाव और एक साथ चुनाव करवाने के लिए कम संसाधनों का हवाला दिया। इस तरह के संशोधन आरपी एक्ट में चाहिए होंगे और उसके बाद जो है लॉजिस्टिकली पोलिंग पर्सनल्स मशीन्स और CAPF की पर्याप्त संख्या चाहिए होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो दिसंबर में होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा के चुनाव के साथ भी लोकसभा चुनाव कराने से इनकार कर दिया, जिसके लिए उन्होंने पर्याप्त संख्या में VVPAT मशीनें नहीं होने का तर्क दे दिया। चुनाव आयोग के इनकार के बाद NDA में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सामने आए और उन्होंने भी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही 11 राज्यों के चुनाव को असंभव बता दिया। लोकसभा और सभी विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो जाए यह संभव नहीं है। वैचारिक रूप से यह सही है, लेकिन तत्काल इसकी संभावना नहीं। कुछ यही अंदाज NDA की एक और सहयोगी शिवसेना का भी रहा। उसने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए एक देश एक चुनाव की स्थिति में प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार से दूर रहने की नसीहत दे दी। निवडणूक आयोगाकडे एक पत्र दिलेले, वन नेशन वन इलेक्शन, असं तुम्ही काय करतात का की सगळ्यांना एकदम मूर्ख बनवायचं आणि पुढे जायचं। शिवसेना ने BJP पर चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी का सहारा लेने का भी आरोप लगा दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर NDA के सहयोगियों का रुख देखने के बाद विपक्षी दलों ने भी मोर्चा संभाल लिया, जिसकी अगुवाई कांग्रेस ने आगे बढ़कर की और उसके नेताओं ने दावा किया कि BJP चुनाव में हार की आशंका से डरी हुई है। अब जो ये माहौल बना रहे अमित शाह जी सब घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, क्योंकि अगले जो सरकार है इनकी बनने जा रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विपक्षी दलों को विश्वास में न लेने का भी आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए BJP ने एक साथ चुनाव कराने को देश की जरूरत बताया। हर अच्छी चीज को बुरी नजर से देखना और उसमें कुछ न कुछ मीन मेक निकालना, उसमें कुछ खोट निकालना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नियत में हमेशा खोट रहा है, इसलिए उसको खोट ही दिखाई पड़ता है। BJP का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को इस मसले पर अमित शाह की चिट्ठी लेकर विधि आयोग से भी मिला था। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी से जुड़े छात्र संगठन समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लेकर मार्च निकाला। ये लोग देवरिया कांड के विरोध में सड़क पर उतरे और कैंडल मार्च निकालकर इन लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। समाजवादी छात्र सभा ने देवरिया कांड में शामिल लोगों को बचाने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया। जो वर्तमान सरकार चल रही है,
उनको जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उनको बचाने का कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी देवरिया कांड के विरोध में प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर लगातार सरकार को घेरने में जुटी है। समाजवादी छात्र सभा ने देवरिया कांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। आप ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो रेलवे का नया टाइम टेबल देखकर ही घर से निकलें, क्योंकि 15 अगस्त से रेलवे का नया टाइम टेबल लागू हो रहा है। उत्तर रेलवे ने नए टाइम टेबल का ऐलान करते हुए करीब 300 से ज्यादा ट्रेनों के स्टेशन पर आने और जाने के समय में बदलाव किया है। इन ट्रेनों में शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, महामना और हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल हैं, जिनके समय में बदलाव किया गया है। रेलवे ने नए टाइम टेबल में मेंटेनेंस ब्लॉक को भी शामिल किया है, यानी वो समय जब रेलगाड़ियों और पटरियों की मरम्मत की जाएगी। ट्रेनों की टिकट बुक करा चुके यात्रियों के लिए भी ये नया टाइम टेबल लागू होगा। विवादित बयान मामले में रांची कोर्ट ने राहुल गांधी से सफाई मांगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान मामले में रांची कोर्ट ने राहुल से सफाई मांगी और मामले की सुनवाई 6 सितंबर तक टाल दी। बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए दावा किया कि इससे खर्चे कम होंगे और देश का बेहतर विकास होगा। मुंबई में एक होटल के बाहर तेज म्यूजिक को लेकर हुए झगड़े में गायक अभिजीत भट्टाचार्य पर अम्बोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। कर्नाटक में केलैंप यानी कलबुर्गी लेडीज एसोसिएशन मैन्युफैक्चरर्स पार्क ने महिलाओं को इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां बनाने का प्रशिक्षण दिया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार मुहैया करवाना बताया गया। पंजाब के जलालाबाद में नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने दो बच्चों समेत 8 लोगों को कुचल दिया, जिनमें 5 की हालत नाजुक बताई गई। राजस्थान के जयपुर में बूढ़ी तीज माता की पारंपरिक सवारी निकाली गई, जिसमें देसी और विदेशी पर्यटकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2019 के आम चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गरमाता दिख रहा है। यूपी के अयोध्या में इसकी वानगी भी देखने को मिल गई। जब अयोध्या में वही नारे सुनने को मिले जिन्होंने 90 के दशक में देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। ये कार्यकर्ता हिंदू समाज पार्टी नाम के संगठन के थे, जो काफी देर तक भगवान राम के जयकारे लगाते रहे। कार्यकर्ताओं का ये जोश और राम नाम के जयकारे अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए थे। योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर का चुनावी वादा याद दिलाने के लिए थे। प्रदर्शन और नारेबाजी की स्थिति तब थी जब सुरक्षा बल ने अयोध्या को छावनी बना रखा था। योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले अयोध्या में पुलिस ही नहीं, अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई थी। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही सैकड़ों ऐसे लोगों को हिरासत में भी लिया गया था जो योगी आदित्यनाथ का स्वागत राम मंदिर की मांग वाले झंडों से करने वाले थे। यहाँ कुछ धरना वगैरह दे रहे थे, कुछ सरकार विरोधी नारे भी लगा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है जो एजिटेशन ने पैदा कर इनको अरेस्ट कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दिगंबर अखाड़े में पहुंचने वाले थे। मौका था राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष महंत रामचंद्र परमहंस की 15वीं पुण्यतिथि का। महंत रामचंद्र परमहंस देश में राम मंदिर के आंदोलन की अगुवाई करने वाले संतों में एक थे। इसलिए योगी आदित्यनाथ के दौरे से राम मंदिर के मुद्दे को हवा मिलनी तो तय ही थी। संत इस बात को लेकर तैयार हैं कि राम मंदिर को लेकर संत समागम में सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी पर बनाया जाएगा तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। बड़ी वजह ये भी है कि योगी आदित्यनाथ नेता से पहले संत हैं। राम मंदिर आंदोलन से योगी एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक संत के तौर पर भी जुड़े रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैद्यनाथ तो रामचंद्र परमहंस के साथ मंदिर आंदोलन की अगुवाई करने वाले संतों में रहे हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही संतों ने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की मांग जोर शोर से उठानी शुरू कर दी थी। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही जल्द मंदिर निर्माण के लिए दबाव बनाने की कोशिशें तेज हो गई थी। लेकिन राम मंदिर आंदोलन को हवा केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से ही नहीं मिली बल्कि SC/ST एक्ट में बदलाव से जुड़े नए कानून ने आग में घी डालने का काम किया। क्योंकि संतों ने नया राग छेड़ते हुए दो टूक पूछा कि जब दलितों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदलने के लिए कानून बन सकता है तो राम मंदिर बनाने के लिए क्यों नहीं। अब उनकी बहानाबाजी नहीं चलेगी कि कोर्ट में है तो इन्होंने काम किया कि नहीं किया, तो उसी प्रकार उनकी बहानेबाजी नहीं चलेगी। राम जन्मभूमि का निर्माण इनको हर हालत में करना ही पड़ेगा। हालांकि संसद में कानून पास करवाकर राम मंदिर बनाने की मांग भी पहली बार नहीं उठी है। खुद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी PM को चिट्ठी लिखकर ऐसी ही मांग कर चुके हैं। संतों ने योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसे कई तीखे सवाल बचा कर रखे थे तो श्रद्धांजलि सभा में योगी के पहुंचने से पहले ही उन्होंने दोहरा दिया कि सच्ची श्रद्धांजलि तो भव्य राम मंदिर निर्माण ही होगी। राम जन्मभूमि आंदोलन में इनके गुरुजी श्री अवैधनाथ जी भी थे, तो श्री अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि
और महाराज जी की सच्ची पुण्यतिथि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब राम जन्मभूमि का निर्माण होगा। यानी संतों ने नए सिरे से राम मंदिर की मांग उठानी शुरू कर दी, जिसकी जड़ में 2019 के लोकसभा चुनाव ही हैं, क्योंकि साधु संत भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि दबाव बनाने के लिए आम चुनाव से पहले का वक्त सबसे मुफीद है। और इस बात को योगी आदित्यनाथ भी बखूबी समझते हैं। शायद इसीलिए अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम केवल एक घंटे का रखा गया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के मुद्दे पर कहीं भी खुलकर कुछ नहीं बोले, लेकिन श्रद्धांजलि सभा के दौरान संतों के बीच बैठकर इशारों इशारों में उन्होंने अपनी बात जरूर कह दी। देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, अयोध्या के लिए जो संकल्प लिया था, जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने का समय आ रहा है। हालांकि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गाय से लेकर प्लास्टिक तक और पर्यावरण से लेकर आर्थिक समृद्धि तक तमाम बातें की, लेकिन राम मंदिर का नाम तक नहीं लिया। अयोध्या धाम में देश और दुनिया के श्रद्धालु आते हैं, वे यहाँ आकर के अगर गंदगी देखेंगे, अव्यवस्था देखेंगे तो बहुत खराब छवि न केवल अयोध्या धाम की भी तो सनातन हिंदू धर्म की भी बाहर जाएगी। यूपी सरकार ने अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, और दिलचस्प बात यह है कि केवल 17 महीने के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ 7वीं बार अयोध्या पहुंचे। क्योंकि इस बात को बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है कि चुनावी माहौल में राम मंदिर का मुद्दा सुर्खियों में आने से पार्टी को फायदा हो या ना हो, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया है। अकेले अयोध्या में यूपी सरकार ने अलग अलग विकास कार्यों पर 100 करोड़ खर्च करने की योजनाएं बनाई हैं। सरयू नदी पर बैराज बनाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन को राम मंदिर की तर्ज पर विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। शहर के लिए एक नया और बड़ा बस अड्डा बनाने की तैयारी जोरों पर है। अयोध्या में बंद हो चुकी रामलीलाओं को दोबारा शुरू कराया गया। राम की पैड़ी पर न केवल हर साल दिवाली पर दीपोत्सव का आयोजन शुरू हुआ, बल्कि कुंभ के मेले से पहले अयोध्या में समरसता मेले के आयोजन की योजना बनाई जा रही है। और अयोध्या में धार्मिक पर्यटन बढ़ाने की योजनाओं के बीच मंदिर निर्माण पर बीजेपी के पास सीधा जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री और यहां तक कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी कानूनी रास्ते से राम मंदिर के निर्माण का दावा करते रहे हैं, जिनमें पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने तो पिछले हफ्ते ही न्यूज 18 की बैठक में कानून के रास्ते से मंदिर निर्माण का दावा किया था। स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट के कंसिडरेशन में है, उसकी सुनवाई चल रही है। किसी ने भी किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट कर सुनवाई को बाधित नहीं करना चाहिए, और जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए और उसका नतीजा आना चाहिए।